प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 70 करोड़ रुपए की कुल 24 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया, जिसमें 52 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा लगभग 18 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लोकार्पित परियोजनाओं में सूचना भवन, सूचना संकुल का निर्माण, चंदा घाट पर बने सेतु, कबीर धुनी, गोरख तलैया का सौंदर्यकरण का कार्य तथा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का शिलान्यास प्रमुख रूप से शामिल है तथा 1000 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भरोया ब्लॉक परिसर में स्थापित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना कार्यालय व सूचना संकुल भवन मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आधुनिक सुविधा युक्त भवन होगा। उन्होंने कहा कि 16 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना गोरखपुर में गीडा में की जाएगी, जिसके लिए जमीन दे दी गई है और अगले सत्र में प्रयास होगा कि इस इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट SIHM की स्थापना के साथ यहाँ के लोगों के लिए स्पेसिफिक कोर्स होंगे, अपना सुनहरा भविष्य आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर स्नातक और परास्नातक युवाओं या इंटरमीडिएट पास करके जो युवा ITI या स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हो, उसको टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की कार्रवाई कर चुके हैं। लखनऊ में 60,000 युवाओं को एक ही जगह टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया गया। वाराणसी में 2,000 युवाओं को, गोरखपुर में 2,000 युवाओं को, अलीगढ़ और सहारनपुर में 2,000 युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किया जा चुका है। प्रदेश के अंदर हर जनपद में टैबलेट स्मार्टफोन पहुंच रहा है और हमारा प्रयास होगा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI डिग्री कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। टैबलेट व स्मार्टफोन में जितना खर्च आएगा, उस खर्च को भी उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्टफोन टैबलेट में अच्छा कंटेंट उपलब्ध होगा और दुनिया की सबसे अच्छी कंपनियों को जोड़कर संबंधित छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक युवा जब अपनी पढ़ाई पूरी करता है तो उसी दौरान ही अपना रास्ता तय कर सके, इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जोड़ने का कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इन सभी योजनाओं को भी इसके साथ जोड़ने का कार्य होगा। टैबलेट स्मार्टफोन में सभी फंक्शन आपके पास होंगे, उनमें से किसी को भी क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, कोरोना की महामारी में ना केवल ऑफलाइन एजुकेशन बल्कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए भी इस स्मार्टफोन को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो तो 10,000 ऐसे छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर जाने की नौबत ना आने पाए, इसके लिए ऑफलाइन एवं ऑनलाइन अभ्युदय कोचिंग क्लासेस को उत्तर प्रदेश में प्रारंभ कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही अनुभवी लोगों को इस कोचिंग के साथ जोड़ा गया और अच्छा कोचिंग प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर दे रही है। 10,000 ऐसे युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जा रहा है जो अभ्युदय कोचिंग के साथ जुड़कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। प्रदेश का युवा अपने आप को केवल एक युवा नहीं बल्कि वह एक स्मार्ट युवा भी कह सकता है। जब टैबलेट स्मार्टफोन उसके हाथ में होगा तो देश व दुनिया की सारी जानकारी उसके पॉकेट में होगी, तो इससे वह अपने आप को तैयार कर पाएगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, यह असीमित है और आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अगर आप उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो यह मानकर चलिए कि आपका भविष्य उज्जवल है। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता किसी व्यक्ति को तात्कालिक सफलता दिला सकता है लेकिन स्थायी सफलता नहीं दे सकता।
स्थायी सफलता के लिए व्यक्ति को परिश्रम के साथ ईमानदारी से पूरा प्रयास करना होगा और ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो जीवन में सफलता पथ पथ पर आपके साथ आती हुई दिखाई देगी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4.5 वर्ष की सरकार के दौरान 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और 60,00,000 लोगों को स्वतः रोजगार से जोड़ने का कार्य भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 वर्ष से ऊपर के सभी बच्चे वैक्सीन लगवा लें। कोरोना महामारी में वैक्सीन कोरोना से सुरक्षा कवच है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना है तो हम सबको इसमें सहभागी बनना होगा। सार्वजनिक स्थान पर मास्क अवश्य धारण करें, हर हाल में बचाव के उपाय करें। थर्ड वेव खतरनाक नहीं है, लेकिन सावधानी और सतर्कता बीमारी से हमेशा आवश्यक है। बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन बीमारी से बचाव जरूरी हो और बीमारी से बचाव आवश्यक है। इस अवसर पर विधायक कैंपियरगंज ने प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हुए कैंपियरगंज के विकास कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर विधायक संत प्रसाद, शीतल पांडे, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व आम जन उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहजनवा विधायक शीतल पांडे ने कहा, विद्यालय के कक्ष संख्या 12 और 13 आदरणीय विधायक संत प्रसाद जी, आदरणीय यहाँ पर उपस्थित प्रांत प्रमुख अश्विनी जायसवाल जी, आदरणीय क्या एक तरफ पूरे देश में सारे संसाधनों को मजबूत करके एक तरीके से प्रतिष्ठा, पश्चिम से प्रारंभ, नैऋत्य से नैतिकता, वायव्य से वैभव, ईशान से ऐश्वर्य, आकाश से आशीष और पाताल से पुरुषार्थ, दसों दिशाओं की शुभकामनाएं। नव वर्ष में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय भारत माता की वंदे वंदे। आज ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के मूर्ति के अनावरण के अवसर पर एवं टैबलेट और मोबाइल निशुल्क इस विशाल कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र के सभी नौजवान और जो शिक्षक और हमारे शिक्षिकाएं और तमाम छात्रों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हम लोगों के क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र सिंह जी, जिले के सम्मानित जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युधिष्ठिर सिंह जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी भाई सुरेंद्र सिंह जी, शीतल पांडे जी माननीय विधायक, मत्स्य बोर्ड के चेयरमैन रमाकांत निषाद जी, हमारे विजय शंकर यादव जी पूर्वांचल विकास बोर्ड के माननीय सदस्य, हमारे प्रमुख
पत्नी जी भाई संजय सिंह जी, ब्रजेश यादव जी ब्लॉक प्रमुख जंगल कोरिया, आदरणीय सुनील जसवाल हमारे सम्मानित प्रमुख कैंपियरगंज, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जंगल कोरिया गोरख सिंह जी, तमाम मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच के पदाधिकारीगण, कैंपियरगंज विधानसभा की आई हुई सभी सम्मानित जनता मित्रों, आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है इस विधानसभा के लिए, जहां एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में दो दो डिग्री कॉलेज खोलने का काम परमपुर महाराज जी ने किया, ब्रह्मलीन महाभवेशनाथ डिग्री कॉलेज रसूलपुर चकिया, वीर बहादुर सिंह महाविद्यालय जंगल कैंपियरगंज, उन्हीं दूसरी तरफ वीर बहादुर सिंह इंटर कॉलेज गोर सोनौरा बुजुर्ग में और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज जो है हरनामपुर में खोल करके शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और जो विरोधी कहते थे कि टैबलेट कहाँ मिलेगा, मोबाइल कहाँ मिलेगा, आज प्रत्यक्ष प्रमाण आपको मिल रहा है, इतने बड़े पैमाने पर टैबलेट का वितरण समारोह। मेरा सौभाग्य है कि मेरे विधानसभा से ये कार्यक्रम फिर चल रहा है। मैं बधाई देना चाहूंगा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिनकी दूरगामी सोच उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमेशा लगी रहती है, और आज से उत्तर प्रदेश एक नए रास्ते पर चल रहा है। आने वाला समय 2022 जो ये आया है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनाता है, ये आपकी उपस्थिति जो आई है ये सब बिल्कुल प्रदर्शित करती है कि आप सब जितने भी नौजवान हैं, आज से रात दिन लेकर के हम सब का सहयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि मंच पर आसीन माननीय विधायकगण एवं अतिथिगणों के सानिध्य में आप बटन आकर के इस बटन दबा करके लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम, जिसमें 2,9,00,00 लाभार्थी मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ 0.305 करोड़ की लागत की जिला सूचना कार्यालय भवन का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होता हुआ, साथ ही साथ 48.46 करोड़ की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उपस्थित गोरखपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री मार्कंडेय के मणि त्रिपाठी जी से सादर अनुरोध है, मंचा उनका स्वागत करें, और सर से अनुरोध है कि यह शंखनाद आपके विजय के रूप में आपके नव वर्ष पर उसी समस्त जनमानस की ओर से श्री मार्कंडेय मणि त्रिपाठी जी एवं शंख आपके चरणों में समर्पित हो। भारत माता की, भारत माता की। आज के मूर्ति के लोकार्पण के साथ ही गोरखपुर जनपद की 68 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास और गोरखपुर के युवाओं को आज तीसरी बार टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री फते बहादुर सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्री संत प्रसाद जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष श्री रमाकांत विशाल जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सुनीता सिंह जी, श्री ब्रजेश यादव जी, श्री अश्वनी जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री संजय सिंह जी, पूर्वांचल विकास
बोर्ड के सदस्य श्री विजय शंकर यादव जी, नगर पंचायत अध्यक्ष पीपीगंज गंगा प्रसाद जायसवाल जी, बोर्ड प्रमुख श्री गोरख सिंह जी, शेषमणि त्रिपाठी जी, सदानंद शर्मा जी, राकेश चौधरी जी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री गौतम सिंह जी, महेंद्र मिश्र जी, मधुसूदन मिश्र जी, मृत्युंजय सिंह जी, ब्रजभूषण मिश्र जी, गोरखपुर प्रेस क्लब से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए नौजवान साथियों, उपस्थित भाइयों बहनों, श्री संजय सिंह जी ने भरुआ में ब्लॉक मुख्यालय पर पूज्य महाराज जी की इस भव्य प्रतिमा की स्थापना करवाई है और आज इस प्रतिमा को यहाँ पर लोकार्पित भी किया गया है। मैं सबसे पहले इसके लिए संजय सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस भरुआ में पूज्य महाराज जी की मूर्ति की स्थापना की, क्योंकि भरुआ से पूज्य महाराज जी का विशेष लगाव था। यहाँ पर बाबा पित्तेश्वर नाथ मंदिर सरोवर का निर्माण हो या फिर यहाँ पे गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ के निर्माण की कार्रवाई पूज्य महाराज जी के ही आशीर्वाद से प्रारंभ हुआ था और मंदिर के पुनरुद्धार की कार्रवाई समय समय पर उन्होंने की थी। यहाँ पर जब नया ब्लॉक बना और नया ब्लॉक बनने के बाद नई कार्यकारिणी गठित हुई तो श्री संजय सिंह जी ने यहाँ पर पूज्य महाराज जी की एक भव्य प्रतिमा ब्लॉक परिसर में स्थापित की है। मैं इसके लिए उनको और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आज यहाँ पर यह भव्य प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। इसके लिए इस क्षेत्र के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई भी देता हूँ, क्योंकि भरुआ एक ऐसी जगह है जो मानेरा विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा पहले भी था, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हमेशा रहा और इस क्षेत्र से पूज्य महाराज जी 5 बार विधायक और 4 बार सांसद थे। यहाँ के एक व्यक्ति को वे चेहरे से पहचानते थे, जो नौजवान थे उन लोगों को उनके नाम से या उनके पूर्वजों के नाम से अगर वे परिचय देते थे तो सबको वे पहचान जाते थे। आज यहाँ पर उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित हुई है। इस क्षेत्र में जनसेवा के साथ साथ सामाजिक समता के निर्माण के लिए यह प्रतिमा निरंतर प्रेरणा प्राप्त कर आप सबको प्रेरणा देगी। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी का इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज यहां पर 1000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के साथ ही ढेर सारी परियोजनाओं का लगभग 51 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम भी होगा। गोरखपुर का सूचना भवन यानी सूचना संकुल का निर्माण आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है और हमारे यहाँ पर प्रेस क्लब से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, जो स्वयं भी आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने परिश्रम किया और परिश्रम करके एक भव्य भवन मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए गोरखपुर में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन आपको तरोताजा खबरों के लिए सदैव वहां पर उपलब्ध रहेगा और इसके लिए मैं गोरखपुर सूचना विभाग और प्रेस क्लब को हृदय से बधाई देता हूं कि उनका जो सपना था वह साकार हुआ। आज गोरखपुर से जुड़ी हुई बहुत सारी परियोजनाएं हैं,
इसमें पुल के भी हैं, सड़कों के भी निर्माण के हैं और साथ साथ यहाँ पर तमाम अन्य परियोजनाएं हैं जो पर्यटन विकास से जुड़ी हुई है, चिकित्सालय से जुड़ी हुई है और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। एक नया इंस्टीट्यूट हम गोरखपुर को देने जा रहे हैं और वह है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का। होटल मैनेजमेंट का एक नया इंस्टीट्यूट हम गोरखपुर को दे रहे हैं जिसकी लागत 16 करोड़ रुपए है और इसकी स्थापना गोरखपुर में गीडा में की जाएगी, जहां पर हम लोगों ने जमीन इसके लिए दे दी है, उसको सैंक्शन कर दिया है और बहुत शीघ्र अगले सत्र से हम लोगों का प्रयास होगा कि इस इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट SIHM की स्थापना के साथ यहाँ पर यहाँ के लोगों को जो उससे जुड़े हुए स्पेसिफिक कोर्स होंगे उसको उस पाठ्यक्रम के साथ जुड़ने और युवाओं को अपना सुनहरा भविष्य आगे बढ़ाने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। विकास की ढेर सारी अन्य योजनाएं इसमें हैं, पर्यटन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए भी मैं गोरखपुर वासियों को और गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि आज यहां पर हमारे युवाओं को एक बार फिर से टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने तय किया कि प्रदेश के हर स्नातक प्रास्नातक युवा को या फिर इंटरमीडिएट पास करने के बाद जो युवा पॉलिटेक्निक ITI या स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस प्रत्येक युवा को भी हम लोग टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। 1 करोड़ युवाओं को वर्तमान में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने की कार्रवाई प्रारंभ कर चुके हैं। बहुत सारे युवा लखनऊ आए होंगे 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती थी और इस अवसर पर लखनऊ में हम लोगों ने 60,000 युवाओं को एक साथ एक ही जगह पर हम लोगों ने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए थे। कल मैं वाराणसी में था, वाराणसी में मैंने 2,000 युवाओं को एक साथ वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। इससे पहले 30 दिसंबर को मैं गोरखपुर में था, गोरखपुर में मैंने गोरखपुर के 2,000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। 28 को मैं स्वयं ही अभी मैं 3 दिन पहले अलीगढ़ और सहारनपुर में था, वहां के युवाओं को 2,000 युवाओं को हमने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। प्रदेश के अंदर हरेक जनपद में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन पहुंचा रहे हैं और फिर हमारा प्रयास होगा कि इस कॉलेज वाइज विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, डिग्री कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, यहां पर उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये टैबलेट और स्मार्टफोन उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। इसमें 2 प्रकार की सुविधाएं हम अतिरिक्त देने जा रहे हैं। एक ये टैबलेट और स्मार्टफोन जो हम लोग देंगे, ये टैबलेट और स्मार्टफोन में केवल टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं होगा, बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे होंगे जिनके माँ बाप इसका खर्चा उठाने में हो सकता है उनके सामने संकट हो और इसलिए सरकार ने तय किया है कि टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस यानी जितना उसका खर्चा आता है उस खर्चे को भी सरकार उन बच्चों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। दूसरा, सरकार ने यह भी तय किया अच्छा कंटेंट हम इसके साथ जोड़ करके बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे और दुनिया की जो सबसे अच्छी कंपनियां हैं उनको हम जोड़ रहे हैं, जो संबंधित छात्रों को जो डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र होंगे उनको डिग्री कॉलेज के पाठ्यक्रम, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो पाठ्यक्रम होंगे, वह जो तकनीकी संस्थाओं से जुड़े होंगे उनको टेक्निकल एजुकेशन जो जुड़े हुए मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको मेडिकल कॉलेज का पाठ्यक्रम, जो
नर्सिंग में पढ़ रहे होंगे उनको नर्सिंग का, जो फार्मेसी पढ़ रहे होंगे फार्मेसी का, पैरामेडिकल का है पैरामेडिकल का, पॉलिटेक्निक वालों को पॉलिटेक्निक का, आईटीआई वालों को आईटीआई का पाठ्यक्रम हम उन बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे, अच्छा कंटेंट उनको उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन साथ साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक युवा जब अपना पढ़ाई का कार्यक्रम, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हो, अपनी डिग्री के पाठ्यक्रम या डिप्लोमा के कार्यक्रम को ले रहा हो, उस दौरान ही वह अपना रास्ता तय कर सके केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को उसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम, खासतौर पर कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना क्या है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना क्या है, उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद की योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना क्या है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना क्या है, इन सभी योजनाओं को भी इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम होगा। आप अपने टैबलेट स्मार्टफोन में देखेंगे कि वो सारे के सारे फंक्शन आपके पास वहां मौजूद होंगे, उनमें से किसी को भी आप क्लिक करेंगे उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको अपने टैबलेट या स्मार्टफोन पर उपलब्ध होगी। कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और कोरोना की इस महामारी में न केवल ऑनलाइन एजुकेशन बल्कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी हम तैयारी के लिए इस स्मार्टफोन और टैबलेट को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, हम लोगों ने 10,000 ऐसे छात्र छात्राओं को जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल में नीट की तैयारी कर रहे हो, तकनीकी अच्छे संस्थान में जाने के लिए जेई की तैयारी कर रहे हो, या फिर वह एनडीए की सीडीएस की, या फिर वे बच्चे किसी अन्य संस्थान में जाने की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह यूपीएससी का हो या फिर उत्तर प्रदेश शासन से जुड़ी हुई किसी भी प्रादेशिक सेवा से जुड़ी हुई किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, प्रदेश के अंदर हम निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। और कोचिंग फ्री में कोचिंग है, क्योंकि मेरे सामने एक चैलेंज था जब कोरोना प्रारंभ हुआ था, लॉकडाउन लगा था, 15,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के कोटा में फंस गए थे, अभिभावक सब परेशान, राजस्थान की सरकार कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी उसने सहयोग करने से इनकार कर दिया। तो मैंने 500 बसें उत्तर प्रदेश से भेजी, उनके साथ फोर्स भी भेजी और सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई हम लोगों ने उस समय संपन्न किया। और आज इसीलिए सरकार ने तय किया है उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर जाने की नौबत ना निकाले, इसके लिए अभ्युदय कोचिंग की क्लासेस हम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर चुके हैं। ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, और ऑफलाइन में या ऑनलाइन में जो इसमें पाठ्यक्रम दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं। जो लोग इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं उन लोगों को हमने इसके साथ जोड़ा है। अधिकारी हैं हमारे जो जिलाधिकारी हैं, सीडीओ हैं, या फिर एसपी हैं, या आईपीएस हैं, पीपीएस हैं, पीसीएस हैं, या अच्छे चिकित्सक हैं, या किसी भी फील्ड के उन लोगों को जिनके पास एक अनुभव है, उन लोगों को हमने इसके साथ जोड़ा है और वे अच्छा कोचिंग प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। ऐसे ही 10,000 ऐसे युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं जो अभ्युदय कोचिंग के साथ जुड़ करके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। यानी प्रदेश का युवा अब अपने आप को केवल एक युवा नहीं, देश के सबसे ज्यादा युवा वाले प्रदेश युवाओं के प्रदेश से नहीं, बल्कि वो अपने को एक स्मार्ट युवा भी कह सकता है जब टैबलेट और स्मार्टफोन उसके हाथ में होगा और देश और दुनिया की सारी जानकारी उसके पॉकेट में होगी, तो जिससे वह अपने आप को तैयार कर पाएगा। और आज ये सुविधा आपको उपलब्ध कराते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आपसे इस अवसर पर आप सभी युवाओं से कहूंगा, देखिए ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ये असीमित है, और जितना आप अर्जित कर सकते हैं अच्छे मार्ग पर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके,
आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अगर आप उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं, ये मान करके चलिए कि आपका भविष्य उज्जवल है। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता किसी व्यक्ति को तात्कालिक सफलता दिला सकता है, लेकिन अस्थाई सफलता नहीं दे सकता। अस्थाई सफलता के लिए व्यक्ति को परिश्रम के साथ ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना होगा, और ईमानदारी पूर्वक प्रयास करने के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जीवन में सफलता पग पग पर आपके साथ आती हुई दिखाई देगी। और आज ये हम सबका सौभाग्य है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश, हम लोगों ने पिछले 4.5 वर्ष हमारी सरकार को पूरे हो गए, 5 वर्ष होने जा रहे हैं, और इन 4.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.5 लाख युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी दी, 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार और नौकरी की संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाई, और 7 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी किया है। इतने बड़े पैमाने पर नौकरी, रोजगार, स्वतः रोजगार इससे पहले कभी नहीं मिला। लेकिन सरकार की, जब किसी भी सरकार की जब सोच ईमानदार होती है तो काम उतना ही दमदार भी होता है, और इस दमदार कार्य के साथ सरकार आपके पास है। कितने बच्चों ने यहां पे वैक्सीन ले लिया? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, 15 वर्ष से ऊपर के वे सभी बच्चे वैक्सीन जरूर ले लेंगे। कोरोना महामारी का ये वैक्सीन, कोरोना में एक सुरक्षा कवच है, और याद रखना कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को जीतना है तो हम सबको इसमें सहभागी बनना होगा। सार्वजनिक स्थान पर हम जाएं तो मास्क जरूर धारण करें, हर हाल में बचाव के उपाय। ये जो थर्ड वेव आ रही है, ये थर्ड वेव खतरनाक नहीं, लेकिन हाँ सावधानी और सतर्कता बीमारी से हमेशा आवश्यक है। बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन बीमारी से बचाव जरूर हो, और बीमारी से बचाव इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बीमार होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कमजोर इम्यूनिटी के होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों को हो सकता है पहले से कोई बीमारी हो। वे लोग अगर बचाव नहीं करेंगे, जबरदस्ती आ गए मुझे मार वाली कहावत को अपने साथ पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। और इसलिए कभी भी बीमारी से भागना नहीं, घबराना भी नहीं, लेकिन सतर्कता और सावधानी जरूरी है, इसलिए वैक्सीन जरूर ले लेंगे। सरकार ने मुफ्त में वैक्सीन की व्यवस्था की है, सबके लिए वैक्सीन की व्यवस्था की है, आप सभी लोग इसका लाभ लेंगे इस विश्वास के साथ। एक बार फिर आप सभी युवाओं को टैबलेट उपलब्ध होने पर हृदय से बधाई। आज गोरखपुर को स्टेट का एक नया होटल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का एक नया इंस्टीट्यूट गोरखपुर को प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ गोरखपुर वासियों को। एक बार यहाँ के युवाओं को इसके लिए बधाई देता हूँ। यहाँ पर विकास की ढेर सारी योजनाएं, सड़क का है, पुल का है, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं का भी आज लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों को और जनता जनार्दन को मैं बधाई देता हूँ। और पूज्य महाराज जी की प्रतिमा का आज यहाँ पर अनावरण हुआ है, इसके लिए मैं ब्लॉक प्रमुख भरोया और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले संजय सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए, इस पूरे कार्यक्रम में आप सबने भागीदारी की है, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। से सादर विनम्र अनुरोध है कि अपने कर कमलों से आज मंच पर 22 छात्रों को स्मार्टफोन एवं टैबलेट वितरित करके करुणा के साथ आगे बढ़ सके, क्योंकि हम सब आगे बढ़ने के लिए तब तत्पर हो पाते हैं जब जीवन में कहा जाता है कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारा जाता है, मन के अंदर दृढ़ संकल्प हो, इच्छा शक्ति हो तो जीवन का कोई भी लक्ष्य अधूरा नहीं रहता, सिर्फ आवश्यकता होती है। देखिए, इस समय प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है,
चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो। अभी पिछले दिनों कोरोना महामारी आई थी जिससे विश्व तबाह था, और साधन के नाम पर अमेरिका, जापान, जर्मनी सभी देशों के पास हमसे ज़्यादा साधन थे, लेकिन वहाँ कैजुअल्टी हुई, लोग परेशान हुए। लेकिन मेरे यहाँ कोरोना में उन देशों के मुताबिक बहुत कम हुआ। कोरोना का प्रबंधन हमारे यहाँ का देख करके विश्व WHO विश्व स्वास्थ्य केंद्र भी तारीफ किया। आज मुख्यमंत्री जी जो कानून व्यवस्था पिछले सरकारों में जंगल राज था, डकैती, छिनैती, लूट, हत्या, बहु बेटियों का सड़क पर चलना दुर्लभ था, रात में सोना मुश्किल था, आज लोग चैन से सो रहे हैं, गुंडे बदमाश जेल में हैं, या तो उनका इनकाउंटर हो गया है। आज भी चेतावनी दी गई है कि जो छोटे मोटे बदमाश भी हैं, अगर वो नहीं मानते हैं तो कमर के नीचे उनको ठीक करिए, नहीं और मानते हैं तो ऊपर ले जाइए। ये सरकार के तरफ से खुला निर्देश है। तो कानून व्यवस्था भी ठीक हो गई है, किसानों का जो उत्पादन का उचित मूल्य, वो 975 रुपया गेहूँ को 975 रुपया धान दिया जा रहा है। क्रय केंद्रों की स्थापना हुई। आज सड़कें जो जंगहा तोड़ सड़क थी पिछली सरकारों में, आज आप सड़कों की दशा देख लीजिए। यही पीपीगंज मार्ग बहुत खराब था, बखीरा वाला मार्ग बहुत खराब था, कटघट से बुधहर चौरसिया मार्ग खराब था, कहीं भी किसी रास्ते पर चले जाइए सड़कें खराब थी। आज विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने क्षेत्र और प्रदेश के विकास, आज जो विभिन्न योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है, ये इस क्षेत्र के विकास के लिए किया है। और इस क्षेत्र से जो हमारे राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी का बड़ा गहरा संबंध रहा है, यहाँ के लोगों से बड़ा संबंध रहा है, यहाँ के लोगों को घर जैसा व्यवहार करते थे, तो आज जो उन्होंने घोषणा किया है इस क्षेत्र के विकास के लिए।